सर यहाँ पे सर अभी लेफ्ट में यहाँ पे सेंटर सेंटर प्लीज ट्रेलर देखना आपको अच्छा लगे तो प्लीज बताना सेंटर सेंटर थैंक यू भाई यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हुआ इधर 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 अरे मोबाइल नहीं दिले बाजी जी बाजी जी बाजी जी बाजी जी अरे इधर अरे गिम्बल इन हाउस यहाँ पे सामने मैडम सेंटर भाभी बोलो भाभी बोलो समोर विक्की समोर यहाँ पे सेंटर में भाई यहाँ पे भाई यहाँ पे सेंटर सेंटर भाई थोड़ा ऊपर वीडियो से ही इज समवन जो ऑडियंस की नब्स पकड़ना जानते गिव इट अप फॉर मिस्टर मनीष मेंघानी मीडिया कलेक्टिव से द प्रोड्यूसर साहब लेडीज एंड जेंटलमैन अमृतपाल सिंह बिंद्रा साहब के लिए ये है यहाँ पे फैन फॉलोइंग बड़ी तगड़ी ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन धर्मा से आर वेरी ओन एंड ऑफ कोर्स द मैन हु डेफिनेटली नोज की ऑडियंस को एंटरटेन कैसे किया जाता है होलसम एंटरटेनमेंट के साथ मिस्टर अपूर्व मेहता लेडीज एंड जेंटलमैन जहां तक फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है राइट ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा बखूबी एक काम कोई और कर सकता है ए फिल्म से मिस्टर अनिल थडानी लेडीज एंड जेंटलमैन एंड नाउ लियो मीडिया कलेक्टिव के ये एक बड़े इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। एट द सेम टाइम ही इज द विजनरी बिहाइंड दिस फिल्म लेडीज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर डायरेक्टर साहब आनंद ही आनंद परमानंद आनंद तिवारी लेडीज एंड जेंटलमैन रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टू काइंडली थैंक यू सो मच वेलकम
वेलकम, यू लुकिंग एज हैंडसम एज एवर, मतलब किल कर रहे हैं आप यहां भी. यू नो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इफ यू हैव टू यू नो टॉक टू अस अबाउट दिस फिल्म, व्हाट इज दैट वन थिंग यू फील इज गोना सरप्राइज द ऑडियंस सबसे ज्यादा बैड न्यूज की? ऑफकोर्स द वंडरफुल कास्टिंग, द अमेजिंग टीम बिहाइंड दिस फिल्म, लेकिन क्या है वो एक चीज? चालू है? हेलो, हाँ. हाँ, नमस्कार. पहले सबको बहुत बहुत स्वागत है आपका सबको यहाँ, और फिर से बहुत बहुत वेरी वेरी सॉरी फॉर द डिले. आई एम होपिंग दैट द ट्रेलर मोर देन मेड अप फॉर इट, सो वी आर रियली होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर द 19th ऑफ जुलाई. ये फिल्म बहुत स्पेशल है हम सब के लिए, धर्मा, फॉर मेनी रीजंस. प्राइमरली ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये लियो मीडिया के साथ हमारी पहली कोलैबोरेशन है, और आई थिंक ये हम सब के लिए बहुत इमोशनल भी है. प्रोफेशनल तो है ही, बट इट्स ऑल्सो वेरी इमोशनल बिकॉज अमृत एंड आनंद आर वेरी क्लोज टू आर हार्ट्स, एंड अमृत इज समबडी हु इज़ लाइक मेम्बर ऑफ माई फैमिली, एंड आई फील जैसे कि मेरे बच्चों की पिक्चर रिलीज हो रही है, मुझे उस किस्म की फीलिंग आ रही है. सो आई एम मेनली वेरी इमोशनल फॉर देम, एंड आई विल बी मोर इमोशनल इफ द फिल्म मेक्स अ लॉट ऑफ मनी. फिर तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाऊँगा. सेकेंडली, दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग कास्टिंग. The casting of bringing Vicky, Amy and Tripti together just seems like they light up the screen with their sheer freshness. Tripti, we know, has gone from strength to strength in the recent past and, you know, has become everybody's national crush. I don't want to say it anymore because abhi har hafte koi na koi national crush ban jata hai. But lekin she was the OG national crush. Let's not forget that. Vicky Kaushal, we love. We love Vicky. Who doesn't love Vicky? Vicky is somebody who I have directed and had the pleasure of directing in a lust story. Lekin uske bawajood, I want to say that working with him has always been the most pleasurable experience. Professional, on point, and what a fantastic actor. It's like a massive combination of brilliance. Amy Virk, oh my God. I just saw our collections in Punjab shoot up. Thanks to you and my Punjab, everywhere in the world, Amy has really been, has had the best kismat. But not only that, he's also such a great guy to work with. So ye jo tino hai, in tino ka jo combination raha hai, wo special hai. Aur aapka jo sawal tha, what is the X factor of this film? To wo kehna chahunga, wo film ka concept hai. वो हाई कॉन्सेप्ट पिक्चर है, जैसे आपने देखा है. इट्स अ वन इन अ बिलियन पॉसिबिलिटी, एंड वी आर होपिंग अ बिलियन पीपल वॉच दैट वन इन अ बिलियन पॉसिबिलिटी. सो थैंक यू. Thank you so much. मुझे लगा ऐसे ही पहुंच जाएगी बस. Okay, Mr. Meghani, you know, talking about this brilliant collaboration, bad news क्या good news लेके आने वाली है सबके लिए? Tell us. I think this is the first time that bad news is like good news, and it's not just good news, it's great news, right? So we couldn't be more thrilled. Our partnership with Dharma is very deep rooted. हमने बहुत सारी चीजें की हैं साथ में, हमें काम करने में बहुत मजा आता है. गहराइयां से लेकर शेरशाह तक हमने बहुत कवर किया है, और हम और भी आगे कवर करने की कोशिश करेंगे. सो वन इज द आर रिलेशनशिप ऑफ कोर्स. द सेकंड इज कि अब Amazon Prime पिक्चरें थिएटर में ला रहा है, तो ये थिएटर जाने वाली है. दिस इज अ को प्रोडक्शन. वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट हाउ वी आर पार्टनरिंग, ब्रिंगिंग मोर फिल्म्स टू द थिएटर फर्स्ट, एंड दिस इज द अदर रीजन व्हाई वी आर रियली रियली एक्साइटेड. The cast of this film, I don't have to say much. Karan has already spoken about this fantabulous cast sitting right here, and you know you're waiting for them to come up. So I'll stop talking. Anand, my friend, has done a phenomenal job. Like, give it up for him, please. Like, this trailer has like really gone out of the park, and I hope the film does too. So yeah, there is you know, much to say and much to see. But of course, Apurva, Amrit, you know, this is a partnership that we've like really been excited about and really happy. Thank you, Anil, for, you know, distributing the film for us, and yeah, couldn't have done this without you. So thank you so much, Mr. Meghani. Ek baar zordaar taaliyan ho jaye, ladies and gentlemen. Of course, moving on to the person jinki fan following ka jalwa abhi humne dekh liya tha Leo Media Collective se, Amrit Pal Singh Bindra sahab, ek baar bhai kya ho raha hai ye, matlab
people are already in love with you. Like they're like, bus drool kar rahe. What do you have to who say? Who are these people? And where are they? Where are they? Ah, I'm samajh gaya bhaji. So talk to us about this collaboration with Dharma and of course Amazon Prime. Firstly, thank you all of you for being here, and once again, very, very sorry for starting this late. I know that's a bit tricky for everyone, but thank you for being patient, and I hope you all enjoyed this trailer, and I hope also that you all enjoy the film. This combination and this collaboration means the world to us. I know Karan doesn't like to feel aged, but we've grown up watching his movies. So for us, this is a bit of an honor and a privilege to be collaborating with Dharma. And of course, with Apoorva, who's been so kind and generous on all fronts and supportive. And of course, we have a long-standing relationship with Amazon, with whom we've also done work before. So we're very excited for partnering with them as well. And most excited also for Anil sir, who now is the most important peg and cog in the wheel of distributing this film and getting it out to people. So really, it means a lot to us. It's also our first theatrical film. So it's a big deal and we're very excited. Wow. And I hope you'll all give us the kind of love that we've given this film. So thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Apoorva sir, this one's for you. What sets Bad News apart from the other comedy films that Dharma has already done? So, you know, this film has a very unique premise. It explores a very rare, one in a billion medical phenomena, as you all saw. I mean, I won't say much now because you'll see the film and figure it all out in detail. But it sets it apart in that sense. And what is very amazing is that, you know, we've been able to put in doses of humor, doses of emotional strength in the film. And it's got an incredible cast. We've got Vicky Kaushal, Amy Vick, our national crush. So yes, very, very excited and looking forward to this film. And the idea is really to try and break conventional boundaries, you know, and put out something that is high concept content in the comedy genre. Thank you so much, sir. Anil sir, this one's for you. Whenever we see AA films up there, us checkered background mein, we are like, wow, this is going to be a blockbuster. With this team, you've given us a lot of big movies, huge ones. What do you have to say about this? So it's always great to deal with the Dharma family. They are just like home. And I would like to thank Manish, Anand, Apoorva, and even Amrit for letting me a part of this amazing film. I just hope that it's only good news at the box office for us. We are sure, sir. We are sure. Thank you so much. And now, moving on to the man of the moment. Jaisa maine kaha, Anand hi Anand ho raha hai. So the kind of response that we got, main keh raha hoon na, taaliyan, seatiyan, itni, pichle kuch dinon mein to humne nahi suni hai. Full-on masala entertainer you've directed. What do you have to say here? नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा करण और अपूर्वा का. और सबसे बड़ी बात यह कि इनका बड़प्पन है कि हम इनको इनके फर्स्ट नेम से बुला सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग अमृत एंड आई टू मेक दिस फिल्म. इसका जो मसाला हमने डाला है, हम बड़े हुए हैं डेविड धवन की फिल्में देखते हुए. हम बड़े हुए हैं टू हीरो फिल्में, एक हीरोइन, और वो सारे जो मज़ेदार गैग्स हम देखकर बड़े हुए, जो अब सिर्फ रील्स में हमको दिखते हैं, फिल्मों में कम. तो हमने कोशिश की है कि वापस सिनेमा घरों में वो किस्म का ह्यूमर हम ले आएँ, जहाँ पे परिवार साथ में देखें, दोस्त साथ में देखें. और इस किस्म का हाई कॉन्सेप्ट, मुझे ऐसी उम्मीद है कि लोग जब साथ में सिनेमा घरों में साथ बैठ कर देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. तो बहुत सारी उम्मीदें हैं. I'm sure, sir. I'm sure aise hi hoga. And now, for the final bit of this, Karan sir, aapse guzarish karunga. I'll request you to invite the rock stars, the superstars on stage. Absolutely. Ladies and gentlemen, without further ado, the real stars of this show, we'd love to have you on stage. Paji, aa jao to see. Every Paji ke liye zordar taaliyan, ladies and gentlemen. I'd like to call the supremely stunning and gorgeous Tripti. Oh, sorry, Vicky. You too. Lekin thodi der mein. First, let's get the girl, the lady on stage. Tripti Nibri in the house, ladies and gentlemen. And now, the very hot, the smoking hot and sexy Karan Johar invites Vicky Kaushal. Guys,
before we start the Q&A and the celebrations, I'd like to just a quick shout out to our creative team, to Somen Mishra, who heads project development at Dharma, to the writers who I believe are the soul of every movie, and this high concept film needed really, really strong writing. So to Tarun Dudeja and Ishita Moitra, thank you so much. Thank you for being a part of our journey. Yes, sorry. Over thank you so much. Well, over to you, Vicky, sir, Tripti Ji, Ami Paji, welcome. And thank you so much for being a part of this. Kitna maza aaya, quickly, if you have to tell us that, and then it's over to the media. Vicky Paji, we'll start with you. Pehle to yaar, hello. Mujhe Hello. Thank you so much, यार. आपके साथ ट्रेलर देखने में ना बहुत मजा आया. सच में हमने कल भी देखा था आपस में, पर आज जो देखने में मजा आया ना, तो वो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस दिस सेलिब्रेशन फॉर अस. एंड हमेशा अच्छा लगता है कि जब भी कोई नई फिल्म आ रही होती है और जब प्रमोशन शुरू होती है तो पहले हमारी मुलाकात होती है सबसे पहले, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत होती है. एंड यही एक मौका होता है हमारे लिए कि हम जो फिल्में देखने आते हैं उनसे हम रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत होती है. अगले 10 दिन हम यही करेंगे, कई शहरों में जाके करेंगे एंड हमारे मीडिया के दोस्तों के जरिए भी करेंगे. सो वेलकम ऑल, एंड सच में बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर. अभी और बहुत बातचीत करेंगे, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, बहुत मजे आए. मतलब सच में ये शूट करने से लेकर लाइक आनंद एंड अमृत आर रियली लाइक फैमिली टू मी. ये मेरा महबूब है, ये मेरा सनम है, और यू नो दे रियली रियली आर पार्ट ऑफ लाइक माय फैमिली. एंड टू जस्ट वर्क विद देम, हमने पहले भी लव पर स्क्वायर फुट में काम किया था विच वॉज आनंद फर्स्ट फिल्म, एंड नाउ दिस, एंड इट्स जस्ट बीन सच अ जॉयफुल जर्नी. जो आपको एनर्जी ट्रेलर में दिख रही थी वही हम रोज सेट पर कैरी करते थे विद तृप्ति विद एमी पाजी. इट वॉज genuinely, I know ये बहुत क्लीशे सा साउंड करेगा, बट इट वॉज genuinely a joy ride, क्योंकि हमारे बीच ना आई डोंट नो देयर वाज नेवर अ नाइस टू ब्रेक. हम ऐसी बच्चों की तरह सेट पे होते थे जो मस्ती कर रहे होते थे, एंड उसमें कहीं एक फिल्म बन गई. सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग यू दिस फिल्म, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड. आई एम श्योर. तृप्ति, आई विल चेंज द क्वेश्चन क्विकली. हीरो नंबर 1 या हीरो नंबर 2? मेरे लिए दोनों हीरो बहुत स्पेशल हैं. ओह, ये सुपर ओवर करवा के मानेंगे. राइट. बट टू आंसर योर प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत मज़ा आया. विकी ने आधी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं, बट इट वॉज जेन्युइनली लाइक अ फैमिली वर्किंग टुगेदर. एवरी डे ऑन सेट लाइक वी वुड जस्ट लाफ एंड शेयर अ लॉट ऑफ जोक्स. एंड मेरे लिए आज का दिन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि मैं अभी करण सर से बात कर रही थी कि मैं 6 साल बाद अपनी एक प्रॉपर हिंदी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च पे हूँ. तो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर मी, एंड मेरी पहली कमर्शियल हिंदी फिल्म रिलीज हो रही है, एंड इट्स माय फर्स्ट कोलैबोरेशन विद धर्मा प्रोडक्शंस, व्हिच इज अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी हु इज ऑन स्टेज विद मी फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस पार्ट एंड ट्रस्टिंग मी विद द फिल्म, एंड स्पेशली आनंद सर एंड करण सर एंड एवरीबॉडी एक्चुअली, बट आनंद सर स्पेशली यू. आई लव यू टू. आई आल्सो लव यू वेयरएवर यू आर. You love me? Love you. Really? You love her and me? Very good. I like this. Mere mehboob, mere sanam. Right. Ami Paji. Sab to pehle saryan pyar bhari sat sri akal, namaste, adab, saryan nu jiyan. Aa jor wali city nahi dusri hai. तो थैंक यू सो मच जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली. मेरी जैसे तृप्ति ने बोला, एक मतलब काफ़ी सालों बाद कोई कमर्शियल फिल्म जैसे मतलब इनकी काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो मेरी भी ये आई थिंक बॉलीवुड की ये पहली है मेरी जो कमर्शियल फिल्म एज एन आर्टिस्ट मेरी लॉन्च हो रही है, पहले भी हमने की है. और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ मुंबई में आके. मैं जितने भी बंदों के साथ यहाँ पे काम किया है, मतलब रणवीर पाजी के साथ, अक्षय कुमार पाजी के साथ, अजय देवगन पाजी के साथ, और विक्की पाजी, एक तो सारे हैं पंजाबी, और मेरे को जनरली बहुत अच्छा फील हुआ जितने बंदों के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो पंजाबी नहीं भी हैं. लाइक अभी 30-40% यहाँ पे
हाँ 30-40% आधे मैंने कर दिए हैं, लेकिन जितने भी बच्चे हैं 30-40% सभी बहुत प्यारे बंदे हैं। जैसे तृप्ति ने पहले बोला, विकी पाजी ने बोला, भी सेट पे बहुत मजा आता था और उनका जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो अनंत सर को जाता है। इन्होंने जेन्युइनली बच्चों की तरह और दोस्तों की तरह हमें वहाँ पे रखा है और हमने मतलब हमें जेन्युइनली नहीं लगा कि हमने ये फिल्म शूट की है, क्योंकि हम वहीं रहते थे मोस्टली और वहीं शूट करते थे। सो मैं सुबह उठ के, और मेरे को एक मिथ था ना पंजाब में, जब मैं यार वहाँ पे बड़े बजट्स की फिल्में होती हैं ना, 200-400 करोड़ की फिल्में होती हैं मुंबई में, तो माइट भी आराम से करते होंगे ना, 100-150 दिन शूट करते होंगे, ईजी उठते होंगे ना, बिकॉज पंजाब में हम खुद प्रोड्यूसर हैं, हम कभी अलार्म नहीं लगाते जब उठ के चले जाते हैं, तो आराम से जाते थे। यहाँ पे सुबह 7 बजे शूट रख रहे होते हैं, मैं क्या ऐसे ही लिखा होगा, जाएंगे तो 10-11 बजे, सुबह 6:30 बजे आके खटखटा रहे होते हैं मेरा गेट भी, चलो भाई उठो। मैं कह यार ये तो बहुत ही प्रोफेशनल है, ये तो फंस गए हम। लेकिन जनरली मेरे को बहुत अच्छा लगा जितना भी हमने काम किया है, तो मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ करण सर का, पूर्वा सर का, तो हमारी लियो मीडिया का, आनंद सर का, अमृत पाजी, सारे का बहुत बहुत प्यार, और हमारी कास्ट बहुत ही प्यारी है। जनरली आपको बहुत मजा आएगा, फिल्म हमारी बहुत अच्छी है, आप जरूर देखना, और मीडिया का मैं बहुत थैंक यू करता हूँ, बहुत बहुत जियान हूँ, वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब हमें पता लग रहा है वो स्क्रीन पे इतने पटाखे कैसे फूट रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट, एंड नाउ इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल। कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? हेलो हेलो, इन द सेंटर, here in the center, Shilpa here from Mayapuri magazine. My question is for Apurva ji, aapse mera sawal hai. Sorry, where is she? Your left hand side, sir. Here, sir, here. Okay. Yeah, sir, jis tarah se वन इन अ बिलियन सिचुएशन जो इस मूवी में दर्शाई गई है, ट्रेलर तो हमने देखा, ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट करेगी, फिल्म के वक्त क्या लग रहा है आपको, हाउ ऑडियंस इज गोना रिस्पॉन्स, किस तरह से इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और पूरे मसाले को एंजॉय करना, किस तरह से रिएक्शन आने वाला है ऑडियंस का? सो आई थिंक द रिएक्शन इज गोना बी ग्रेट। द फिल्म हैज वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस इन दिस वन इन अ बिलियन मेडिकल फिनोमेना दैट यू जस्ट सॉ ऑन दिस इन द ट्रेलर। And it's like I said, the film is emotionally loaded. It's emotionally loaded. It's actually it's entertainment and laughter all through the film. Okay, it's emotionally also very strong. It has very touching moments which will resonate with the audiences. So I think everyone's in for a joy ride. It's in a complete entertainer and a great film to watch. ओके विकी, जिस मैन मेरा सवाल आपसे है कि इतनी वर्सटैलिटी हमने आपकी देखी है अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग किरदारों में, इस तरह की फिल्म को चूज करना, ये किरदार करना, क्या कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट लगा या फिर स्टोरी में कुछ अट्रैक्टिंग लगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करना, ऑन बोर्ड आना और ये फिल्म करना? फर्स्टली मेरे लिए शूटिंग दिस फिल्म वॉज लाइक बींग एट होम, बिकॉज आनंद, करण, अमृत जिनके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, वो ऑलरेडी आपको यू नो इट्स अ फील गुड वाली थिंग होती है, एंड ऊपर से स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। इट्स अ जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत नया लगा, और जो ह्यूमर है, मैंने ज़्यादा कॉमेडी को एक्सप्लोर किया नहीं है एज एन एक्टर, तो एंड आनंद इज अपार्ट फ्रॉम बींग अ ब्रिलियंट एक्टर, he is a phenomenal director when it comes to comedy especially. So I was also feeling good about surrendering myself to him when it was a comedy film. To mere liye bhi kuch naya tha, aur wo jo energy set pe, sorry, scenes mein dikhani hoti hai, uske liye wo set pe bhi wahi mahol ho jata hai. To it was like I said before ki wo jo mazedar part tha na, ki yaar ek family ke sath kaam karna hai, ek comedy film mein jo pehle zyada nahi ki hai, so there were a lot of things new for me. तो ज़्यादा बिना सोचे I just surrendered to it. तृप्ति over here. तृप्ति this side. Hi. तृप्ति शारिक from styleluna.com. And I just wanted to ask you that मतलब कि कॉमेडी फिल्मों की बात की जाए तो आपकी ये फर्स्ट कॉमेडी रोम कॉम फिल्म है, तो मतलब कितना ईजी था आपको ये आपका कैरेक्टर पोर्ट्रे करना, और विक्की और एमी से कितना सपोर्ट मिला आपको? सच बताऊँ? पहले तो पहली मेरी कॉमेडी फिल्म है, इससे पहले मैंने कभी कॉमेडी नहीं किया था, तो मेरे लिए मैंने कहीं सुना था कि लोगों को रुलाना फिर भी आसान है लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, और वो मैंने रियलाइज़ ये बात सेट पे की, क्योंकि सच में कॉमेडी इज़ आई थिंक फॉर मी द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉनर, और बहुत 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 काम लगा एटलीस्ट मुझ पर, आनंद सर को, आनंद सर और मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स की बैठ के, काफ़ी सीन रीडिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड एमी और विक्की, मतलब मुझे इनसे अच्छे दो को एक्टर्स नहीं मिल सकते थे, मतलब ऑनेस्टली जो भी इनके साथ, ये उस तरीके के एक्टर्स हैं जो कि
सीन के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते उस, ताकि चलिए फिर ज्यादा बोल दिया क्या मैंने, बट नहीं, लाइक आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, एंड काफ़ी आधा काम आपका उसी से आसान हो जाता है जब आपके को एक्टर्स सपोर्टिव हों, एंड बोथ ऑफ देम लकीली वो वेरी वेरी सपोर्टिव. कहीं पे मैं अटक जाती थी तो दे वुड रियली गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प मी, तो इट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग दैट आई हैड दीज टू विद मी ऑन द फिल्म. हेलो सर. हेलो सर. चक्कर में हमारी पंजाबी भी बेटर हो. हाँ, काफ़ी पंजाबी सॉन्ग से इन्होंने हमें वाकिफ करवाया. और जी जी हेलो. या to your right. So hello of you, hello all of you. My name is Arthesh and I'm from Bollywood Helpline. So my question is for Vicky sir, you that मैंने मतलब हमने बहुत सारे rumors भी देखे हैं, अभी हमने trailer देखा bad news का, मतलब काफ़ी अच्छा था, and आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके साइड से real, ये तो real वाली good news थी, पर real वाली good news कब आ रही है? खुद ही शर्मा गया. हाँ वही, इतने शर्मा के पूछा. देखो जब आएगी तो पहले, सबसे पहले मैं बॉलीवुड हेल्पलाइन को बताऊंगा, आई प्रॉमिस यू. पर अभी के लिए आप बैड न्यूज एंजॉय कर लो जो हम ला रहे हैं, पर जब उसका टाइम आएगा तो ऑब्वियसली वी वोंट शाई अवे फ्रॉम गिविंग दैट न्यूज. विकी योर सेंटर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. तृप्ति आपसे भी सवाल था, कॉमन क्वेश्चन है. ये तो पहली बार ऐसा कोई गुड न्यूज होगा जो बैड न्यूज होगा जो गुड न्यूज जैसा फील करवा रहा है. क्या रियल लाइफ में कभी कोई मीडिया से कुछ बैड न्यूज़, किस तरह से हर्ट करते हैं, अब आप हर्ट होते हैं कुछ बैड न्यूज़ कुछ ऐसा मिलता है आपको? तो आप दोनों का कॉमन क्वेश्चन था. नहीं नहीं, मीडिया कहाँ बैड न्यूज़ देती है यार. कभी कुछ ऐसा आ जाए, कभी कभी कुछ कुछ एक्टर्स तो रिएक्ट कर देते हैं, आप किस तरीके से डील करते हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ भाई मीडिया से. अरे हंस रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा यार. नहीं नहीं, आप लोग, हाँ जी, थैंक यू. नो रियली, एंड लाइक मैम सेड, एंड बहुतों ने ये जर्नी ना मेरी शुरुआत से देखी है, जब आई वॉज लर्निंग टू वॉक टू नाउ आई एम वॉकिंग, एंड आगे बहुत ज़्यादा सफ़र है, बट मीडिया हैज़ ऑलवेज बीन ट्रूली वेरी वेरी सपोर्टिव. एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस टाइम वेन वी आर ब्रिंगिंग आउट अ फिल्म, बिकॉज जब फिल्म नहीं आती तो आई लाइक टू कीप क्वाइट, बट हमारी होती के जरिए ही हम पहले पहुँचते हैं. सो व्हाटएवर यू डू इज़ रियली रियली अमेजिंग एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू. तृप्ति आप कभी फेस करते हैं कुछ तो कैसे रिएक्ट करते हैं? आप कुछ बुरा कैसे बोलेगी? मेरे पास आंसर है. जी देखिए, मैंने तो अभी अपने करियर की शुरुआत ही करी है एक तरीके से, एंड अभी तक आई हैव ओनली फेल्ट सपोर्टेड फ्रॉम मीडिया, एंड आप लोगों के ही थ्रू हम जो भी हैं आप लोगों की ही वजह से हैं, तो यू नो आई कैन नेवर एवर एवर हैव अ प्रॉब्लम, आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद एनीथिंग. तो या बस अपनी तरफ से गुड न्यूज मत देना, मुझे देने देना. Hi, hello. Mayur here from Beyond Bollywood. Center, my question is for Tripti. I can see. Hi. Tripti, obviously you've been such a fabulous actors in the last few years. I admire you a lot. और एक मेरा observation रहा है कि जब हमारी कोई फिल्में Indian फिल्म में, खासकर Bollywood या South की हो, जब वो एक blockbuster होती है तो उसके अंदर जो hero है उसके लिए हम कहते हैं कि what a outstanding performance, इसे national award मिलना चाहिए. उसी फिल्म में जो अभिनेत्री होती है उसके लिए लेकिन हम कहते हैं उसे एक नेशनल क्रश का खिताब दे देते हैं, उसकी अभिनय के बारे में इतनी बात नहीं करते. इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगी? जी मेरे एक्सपीरियंस में लकीली मैं अपने गॉड को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में उल्टा ही हुआ है. जितनी भी मैंने टचवुड फिल्में की है, चाहे वो मेरी पुरानी फिल्में हों, चाहे वो जो अभी जो मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है वो हो, काफ़ी ऑडियंसेस से प्यार मिला है और काफ़ी लोगों से भी प्यार मिला है. लोगों ने काम की बात की है. मुझे शुरू में यही लगता था कि जब मैं कभी भी एक्ट्रेस बनूँ ना तो लोग मेरे सिर्फ काम की बात करें और किसी चीज़ के बारे में बात ना करें, और लकीली आज तक जब भी फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं लोगों ने काम के बारे में बात की है, और ये चीज़ आई थिंक मोटिवेट करती है हमको भी एज एक्टर्स टू डू बेटर इन लाइफ एंड टू यू नो कीप वर्किंग ऑन आर क्राफ्ट, एंड आई थिंक दैट वेज आई बीन वेरी फॉर्चुनेट. तो मैं बस यही कहना चाहूँगी. Hello. Hi, this side. Hello everyone. Congratulations on the trailer. Very entertaining. Aajkal har almost sara content bahut semi serious hai, so it was very like lovely to see something so light coming. My question is for Amrit. We got to know that hum to yahan pe bad news ke liye hain, but we got to know that aapki life mein ek good news aane wali hai.
and you are getting married this year, if I'm right. What? And also, also with someone who has a celebrity status, like someone very famous. So if you can tell us the good news. Yeah, some actress. You're marrying an actress? सर ये किसने करवाया आपसे? आप मिलिए मुझे थोड़ा बाहर, फिर हम बात करेंगे गुड न्यूज और बैड न्यूज के बारे. ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है. थैंक यू. खुद यकीन नहीं हो रहा है. बट स्टिल ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म. द ट्रेलर लुक्स लवली गाइस. थैंक यू फॉर लाइकिंग द ट्रेलर. थैंक यू सो मच. हेलो हाय यो लेफ्ट. Hi, this is Pallavi from Pop Diaries, and the trailer is fab, the chemistry is fab, and I love the bromance also that's there between Vicky and Amy. So congratulations for this amazing trailer. And my question is to Manish sir. Sir, the comedy genre is loved by the Indian audience right now, but what do you think, how will they react to this unique story, because we have not seen this any time before, you know, like how do you think? So I think comedies have been loved and endeared for generations, right? Like, वो नई बात कुछ है नहीं. But जो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मज़ा किया, मस्ती की और उसमें एक फिल्म बन गई, वो बोलने की बात है. उसमें बहुत मेहनत गई है. It is one of the hardest genres to make. But when it's done right, you know, उसमें आपने देखा, उसमें scripting अच्छी है, उनकी timing अच्छी है, उनकी direction कैसी है, music की timing कितनी अच्छी है, then the product turns out to be something that everybody loves. And I think the reaction today has been the one answer that we were all looking for. And it couldn't have been better than what you all have shown us today. So thank you, all of you, for showing us what this has turned out to be. That's all I can say about this comedy. So please, you know, give it up for yourselves. Woo. Thank you. Hi, this is on your left, Vicky Sarvia. Sohil from Ancient Bollywood. Karan, Anand, Vicky, Tripti, Ami, and the entire dignitaries, all the very best. The trailer is amazing. I can say like 10 out of 10. Like, you know. Thank you. Tarah, so seriously. Bahut waqt ke baad matlab itna achha trailer dekha, and hopefully the film will be also that good. Poochna tha ki isme hai ki do baap hote to scientifically this has matlab is tarah se koi कभी इंस्टेंस हुआ है? Where did this thing come from, or it's just your imagination? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भगवान का शायद इमेजिनेशन है, हमारा इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं है. इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया था जो सोमेन को मिला था इनफैक्ट कुछ साल पहले, और उस पर फिर राइटिंग हुई, उसका एक काल्पनिक रूप हुआ. पर ये बिल्कुल साइंस पे बेस्ड है. इसको कहते हैं, आप मेरे बाद रिपीट करेंगे, आप सब एक बार रिपीट करेंगे मेरे बाद, मुश्किल है. हाँ, हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडेशन. बोलिए. हेट्रोपैटर्नल सुपरफिशियल. हाँ, बस बस यही मैं चाहता हूँ कि अच्छा पिक्चर देखने के बाद आप इसे रिपीट कर पाएं. तो बिल्कुल बेस्ड ऑन साइंस एक फिनोमिनन है, जिसके बारे में हमने फिर इसको एक कॉमेडी फिल्म बनाई जो मसालेदार है, क्योंकि हम बॉलीवुड के बच्चे हैं तो हमको मसालेदार फिल्में पसंद हैं देखना, तो बनाई भी हमने एकदम मसालेदार फिल्म है. तो विकी, आपका रिएक्शन कैसा था जब ये इस तरह की कहानी आई? और एक बात पूछनी थी कि कभी लाइफ में किसी मतलब दो लड़की ने या उससे ज्यादा कभी एक साथ कभी आई लव यू किसी ने कहा था आपसे? इवन फॉर ऑल दिस मैं पता नहीं, आई लव यू से ठीक है, आई लव यू तक ठीक से. सो जो पहला सवाल था, मेरा पहला रिएक्शन भी यही था कि मैंने कहा ये सच में होता है या ऐसा हुआ है या ये काल्पनिक है. तो जो आपका सवाल था वो मेरा पहला रिएक्शन था जब मैंने फिल्म सुनी. और दूसरा, ये देखो इतना अच्छा नसीब नहीं रहा है कि दो लड़कियां साथ में, पर एक ही ने बोला है, और जब बोला है तो फिर करण कभी आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? दो लड़कियां ने कभी नहीं कहा है. I would like to ask Tripti and even Hamid ji ko usko bhi mujhe nahi lagta to ladkiyon ne ladkiyon ko to bahut sare log bol dete ho guys. nahi kabhi bhi nahi, abhi tak to nahi kaha, aage agar hua to zarur batayenge, still to nahi. acha, what was your reaction when you know that poster, khas karke jo Katrina ka jab tha wo wala, aapko Anand ne वो वाला थोड़ा कुछ उसके बारे में? मैंने एक्चुअली कटरीना ने ट्रेलर देखा नहीं था, अभी आपने जब देखा तो अब देख लिया होगा, मेरे पास फोन नहीं है अब, पर मैंने उसे सिर्फ यही हिंट दिया था कि तुम भी हो ट्रेलर में. तो वो बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं कैसे हूँ ट्रेलर में. तो अभी मैं उनसे भी रिव्यू लूंगा कि कैसा लगा ट्रेलर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हाय,
My name is Disha. Hi, can you all see me? Yes. My question is to Anand and Vicky. There are so many meta jokes in the trailer. Like, who came up with it? And what was Vicky? What was your first reaction to it? Who came up? Anand and Tarun. Hi, Tarun, the writer. Yeah. And this is literally, ये जो आप मेटा का आप बात कर रही हैं वो ट्रेलर ही है. जितने फिल्म में हैं वो आपको और भी मजा आएगा इफ़ यू आर यू नो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट. दूसरा सवाल क्या था? एक ही था. एक ही था. हाँ बस ये तो आनंद. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू करण सर. ओ सॉरी आनंद सर. यस प्लीज. नो नो बस बस विकी ने हमारी तारीफ कर दी. हमें और क्या चाहिए. थैंक यू सो मच विकी. Karan sir, I want to ask this from most millennials. There are so many re-releases happening. Do we expect like a K3G or any of your movies re-releasing? Oh, please. Please, Karan, let's please. Do this. Actually, you know, I was very excited with the films coming back. I was so happy that jab Rockstar release hui aur itna sara pyar phir se mila Instagram pe reels mein, you know, roz mein dekhta tha log jo कल्ट फिल्म थी रॉकस्टार और उसको इतनी प्यार और मोहब्बत मिल रही थी. एंड आई फील कि ये जो फिनोमेना शुरू हुआ है ऑफ रिलीजिंग फिल्म्स अगेन इट्स फैंटास्टिक बिकॉज आई थिंक एक पूरा जो है जनरेशन बड़ा हुआ है ऑन सर्टन फिल्म्स. एंड जैसे अमृत भी बहुत बड़े हुए हैं उस फिल्म पे तो उन फिल्मों पे. आई मीन ही इज ग्रोन अप वॉचिंग दोज फिल्म्स. जस्ट लाइक दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव लव्ड you know, films of the 80s, 90s and early 2000s. And I feel कि जब K3G के 25 साल होंगे जो जो आई थिंक दो साल में हो जाएंगे आई फील तब आई थिंक वी शुड री रिलीज द फिल्म. एंड आई हैवंट सीन द फिल्म माई सेल्फ. आई थिंक मैं अपनी फिल्में सिर्फ एक बार प्रॉपरली देखता हूँ जब यू नो रेडी हो जाती है. उसके बाद मैं नहीं देखता. तो मैंने देखी नहीं है पिक्चर. आई हैवंट सीन द फिल्म इन 23 इयर्स. मुझे पता ही नहीं. और मैं रील्स पे आते हैं तो कभी कभी वो डायलॉग्स या सीन्स आ जाते हैं तो देख लेता हूँ. बट येस टू आंसर योर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू डू इट व्हेन देयर इज अ मोमेंटस माइलस्टोन. एंड आई होप दैट एवरीबडी एल्स जिसकी भी स्पेशल फिल्में हैं जैसे जोया अख्तर का रेट्रोस्पेक्ट था और अभी रॉकस्टार का हुआ है ऐसा होना चाहिए. बिकॉज वी शुड कॉन्स्टेंटली रिमाइंड एवरीबडी दैट हिंदी सिनेमा रॉक्स. हेलो हेलो एमी जी. यहाँ पे एमी जी दिस इज विशाल हियर फ्रॉम बजुका. मेरा सवाल आपसे है आप पहली बार धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करो किस तरह का एक्सपीरियंस था और सबसे खास बात क्या थी धर्मा प्रोडक्शन की? सर मतलब हर बंदे का ड्रीम होता है सर धर्मा के साथ काम करना. मैं तो आज भी वहाँ पे चाय पी रहा था कप की फोटो डाल दी. मैं क्या मेरे दोस्त देखेंगे धर्मा के ऑफिस में बैठा हुआ. मैंने सर मतलब पूरा सर चा चढ़ा हुआ है मतलब ऐसे बोलो आप पूरी खुशी है सर मतलब ड्रीम कम ट्रू वाला काम है सर. और आगे आप आने वाले समय में और भी रंग बिरंगी फिल्में बनाएंगे आपको अच्छी लगेंगी. और जनरली मेरे को बहुत अच्छा लगा और सच में बहुत अच्छी टीम मिली है. करण सर धर्मा की पूरी टीम हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं मतलब अनंत सर विक्की विक्की पाजी तृप्ति मतलब वन ऑफ द बेस्ट. इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए एज एन मतलब मैं मतलब नॉर्थ से आया हूँ पंजाब से आया हूँ और यहाँ पर आके ऐसी फिल्म में काम करना. मेरे बाद भी आएंगे मेरे पहले दिलजीत पाजी आए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सत्कार. उनकी वजह से हमें इतना अच्छा काम मिलने लगा है. हमने मतलब वो जो स्टीरियोटाइपिकल मसले हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद हमें मौका मिल रहा है अच्छा काम करने का. और हम अपने लोगों को भी प्राउड फील कराएंगे और आप लोगों को भी अच्छा एंटरटेन करेंगे आने वाले समय में भी अच्छा काम करेंगे. विकी जी मेरा सवाल आपसे है यहाँ पे विशाल अंबानी यहाँ से. सर कल 11 बजे या तो पूरा भारत को गुड न्यूज़ मिलेगी या फिर बैड न्यूज़ मिलेगी बारबाडोस से. कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मुकाबला है. सो आपकी क्या ब्लेसिंग्स रहेगी इंडिया को? जीतेगी इंडिया. ए गो इंडिया यार. हम तो चीयर करेंगे जितना हमें जितनी ताकत होगी. एंड वी आर सुप्रीमली कॉन्फिडेंट विद द फॉर्म दे आर इन और जैसे खेल रहे हैं इतना मज़ा आ रहा है. आज सुबह भी शूट थी कल रात को देर तक हो गया था क्योंकि बारिश हो गई थी. पर जो मजा ही आ गया. दे आर इन फॉर्म और सच में देखिए खुशी मिल रही है आपको. सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट इज इंडिया. अक्षर अक्षर तर अक्षर तर अक्षर तर अक्षर तर अक्षर तर अक्षर तर अक्षर पटेल. हाय हाय लव यू टू. थैंक यू. या वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आइए. तृप्ति हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू. हाय. सो हैविंग वर्कड इन सम वेरी सीरियस रोल्स लाइक कला एंड आई एम प्रियंका फ्रॉम बॉलीवुड फिल्म रिव्यूज. And Bulbul, I really loved you in that. Thank you. Now you are attempting comedy. So you said that hasana bahut mushkil hai aur rulana aapko lagta hai shayad aasan.
But for this role, did you prepare anything or it was so spontaneous? How was it? No, we, as I mentioned earlier, हमने काफी आनंद सर और मैंने काफी workshops की साथ में हम दोनों एक बार हमने एमी के साथ भी वर्कशॉप करने की कोशिश की फिर हम समझ गए कि एमी के साथ वर्कशॉप करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो इतनी अच्छी उनकी कॉमिक टाइमिंग है कि जरूरत ही नहीं पड़ी बट मुझे हाँ काफ़ी क्योंकि मैं बहुत ही अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से आ रही थी और मेरे लिए कॉमेडी थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है तो काफी मुझे जरूरत थी वर्कशॉप्स की एंड आई एम ग्लैड दैट आनंद सर वाज देयर टू हेल्प मी आउट विद पर इनके अंदर एक दिल्ली लड़की छुपी थी बस उसको बाहर निकालना था वो बाहर आ गई हमारी फिल्म में बहुत शुक्रिया Thank you so much. Baki film bahar aa jayegi 19 July ko. We'll get to see in theaters. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. It's time for a final. Nahi, nahi, humne kuch nahi kiya. I love your shoes. Okay, great. It's time for a final photo op, ladies and gentlemen, with this stellar cast and the amazing team of Bad News. लाइट कैन वी लाइक लाइट के आगे से थोड़ा सा आ सकते हैं प्लीज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल यू पीपल या थैंक यू Selfies later, ladies and gentlemen, please. Thank you. Thank you so much, Karan sir.
Yeah. Uh-huh.